सो हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आइए देखते हैं क्या होता है डॉल्टन्स लॉ। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर का वॉल्यूम हमने क्या कर लिया, वी लिया। और ये वी क्या फिक्स है, क्यों? क्योंकि कंटेनर है ना, चार दीवारी से बंद है तो फिक्स हो गया। मान लो इसमें तीन गैस O2 है, N2 है और आपने क्या ले लिया, H2। और एक एक गिवन कंडीशन पर, एक गिवन कंडीशन पे एक गैसें क्या है, नॉन रिएक्टिव है। अगर एक गैसें रिएक्शन कर लेंगी तो आप डॉल्टन्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। तो गिवन कंडीशन पे कैसे हैं, नॉन रिएक्टिव। अब मान लो इस गैस का क्या हो, पार्शियल प्रेशर PO2 हो, इसका PN2 हो और इस वाले का पार्शियल प्रेशर क्या हो, PH2। और हमने चलो मान लिया ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो, NO2। इसके नंबर ऑफ मोल्स NN2, इसके नंबर ऑफ मोल्स NH2। चलो अगर मान लो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर पी टोटल हो, तो इसका जो प्रेशर पी टोटल होगा ये PO2 के पार्शियल प्रेशर, PN2 के और PH2, इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो डॉल्टन्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर ओवर अ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन अ मिक्सचर। तो यहाँ पे देखो PO2 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, PN2 नाइट्रोजन का, PH2 हाइड्रोजन का क्या है, पार्शियल प्रेशर। चलिए अब हम इस पर लगाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखो P टोटल, V क्या इसका फिक्स है, हमने मान लिया N टोटल, R T हमने लगा दिया, P इक्वल टू N R T। अब इधर N टोटल क्या है, आपका N टोटल है वो NO2 प्लस NN2 प्लस NH2, इन तीनों गैसेस के क्या हो, मोल्स हैं। इसको आप इक्वेशन वन बोलो। ऑक्सीजन के लिए अगर हम लगाते हैं आइडल गैस इक्वेशन, तो आप क्या लिखोगे, PO2 वॉल्यूम तो फिक्स है, NO2 RT, इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर टू। अब वन टू बाई वन कर दो, क्या मिलेगा आपको, PO2 V अपन P टोटल V NO2 RT अपन N टोटल, इधर इसको क्या लिखोगे, RT। आर टी आर टी कैंसल आउट, वी वी कैंसल आउट, तो आपको इधर मिल गया PO2 अपन पी टोटल NO2 अपन NT, एक केस मिला। अब इसमें देखो, अब इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसको जो PO2 है दिस इज इक्वल टू पी टोटल इंटू NO2 अपन NT। अब इस टर्म को आप क्या लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज योर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो जिस कंस्टिट्यूएंट एटम का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, उसके मोल को ऊपर रखकर नीचे अगर टोटल मोल रखते हो तो आप क्या पाते हो, मोल फ्रैक्शन। तो इधर से आपको फार्मूला एक मिल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन मिक्सचर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, चलो MF लिख देते हैं, और इनटू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। ये आपका क्या निकल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो एग्जांपल की चलिए बात करते हैं। अब देखिए हमको क्या निकल गया, PO2, PO2 इक्वल टू क्या निकला था, P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन। ये हमने किसकी बात कर ली, ऑक्सीजन की, ठीक है। अब इसके अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे तो क्या होगा, PN2 P टोटल इनटू जीटा O2। तो अब हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की। देखो आप पढ़े भी हो लेकिन हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं। मान लो आपके पास तीन गैस हैं ABC, मान लो इसके मोल N1 हो, B का मोल N2 और C का मोल क्या हो, N3। अगर आपको मोल फ्रैक्शन A का निकालना हो तो A के मोल को आप ऊपर लिखते हो, नीचे आप क्या लिखते हो, टोटल मोल। B का निकालना
सॉरी, अगर बी का निकालना होगा तो एन वन, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, तो बी का निकालोगे तो मोल भी किसके रखने होंगे आपके, बी को, तो एन टू रखोगे। सिमिलरली अगर जीटा से निकालना होगा तो आपको एन थ्री अपान एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, तो ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन। अब चलो मान लो एक क्वेश्चन हम लेकर समझते हैं इसको। चलो अब मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, राइट। अब इस कंटेनर में मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन है, और एक गिवन दैट ये गैसे कैसे है, नॉन रिएक्टिव। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करके लिख भी सकते हो, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। अब ऑक्सीजन के मान लो मोल्स कितने दिए हो, टू मोल, नाइट्रोजन के दिए हैं थ्री मोल्स, हाइड्रोजन के कितने दिए हैं चार मोल्स, और इसका टोटल जो प्रेशर है लेट से कितना, 6 atm। अब हमको फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू। तो इसके लिए अब क्या करोगे, बहुत सिंपल मेथड हम लगाएंगे। देखो पार्शियल प्रेशर अभी अपने निकाला, पीओ टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। मान लो ओ टू का निकालना हो तो इसका क्या लिखोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू इंटू टोटल प्रेशर। अब देखो मोल फ्रैक्शन O2 का निकालना, तो O के मोल्स को आप ऊपर रखोगे नीचे टोटल मोल्स, 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू टोटल कितना है 6, तो हो जाएगा 2 अपान 4 3 7 2 9 इंटू 6। इसको कैलकुलेट कर लो, 3 दूनी 6 3 त्रिका, अरे यार उल्टा हो गया, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, तो आ जाएगा 4/3 atm। तो चलो कैलकुलेशन की बात है, अब कर लोगे। Pn2 क्या होगा, सिंपली अब लिखोगे इसका मोल जिसका निकालना उसको ऊपर नीचे टोटल इंटू टोटल, तो 3 3 9 3 दूनी 6, तो इसका आ जाएगा आपको कितना, 2 atm। अगर pH2 आपको फाइंड करना हो देन विल गेट 4/9 जिसका निकालना उसको ऊपर अपन टोटल इंटू टोटल प्रेशर, तो 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 3 3 9 तो 8/3 atm। तो इस तरीके से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका डॉल्टन्स लॉ। तो इसमें हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ए गैस ओवर अ वाटर। तो एक टेक्निक है, इसमें आप क्या करते हो, ड्राई गैस को वाटर के ओवर, वाटर के ऊपर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इधर से देखो ड्राई गैस अंदर की तरफ आती है, अब इधर से जब गैस अंदर की तरफ आएगी तो बबल्स के फॉर्म में गैस कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब गैस का, गैस क्या करेगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो गैस का अपना क्या होगा, प्रेशर होगा। अब ये वाटर को क्या करेगा, नीचे की तरफ एक डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा। वाटर नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा तो वाटर का ले सरफेस क्या होगा, इसकी तरफ ऊपर उठेगा। तो एक ऐसा समय आएगा कि ये वाटर डिस्प्लेस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तब उस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, इधर आपके पास गैस इकट्ठा हो चुका होगा, इधर क्या होंगे आपके पास, गैस इकट्ठा हो चुका होगा। तो अब इसके पास देखो दो प्रेशर है, कैसा, एक तो आपके पास ये क्या वाटर है, अब वाटर होता कैसा आपका, बोला टाइल। तो इस पार्ट में आपके पास एक तो गैस का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ किसका, वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर किसके फॉर्म में, आपका वेपर के फॉर्म में भी तो इधर आया है, तो इधर आपके पास दो प्रेशर हैं, एक गैस का प्रेशर और एक वाटर का प्रेशर। तो इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, पी टोटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी टोटल। और इस गैस को प्रेस, गैस प्रेशर को हम बोलते हैं ड्राई प्रेशर, ड्राई प्रेशर। तो आप लिखोगे क्या, पी टोटल इक्वल टू पी ड्राई प्लस पी एच टू ओ, वाटर का प्रेशर। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, वोलाटाइल है, इसके क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, और वेपर बनेंगे तो वेपर का खुद का क्या होगा, प्रेशर होगा। तो यहां पर दो प्रेशर है, एक तो गैस का या दूसरा वाटर का। तो पी टोटल जो आपका निकल के आया, पी ड्राई प्लस पी एच टू ओ, इसको आप एक और नाम दे सकते हो जिसको बोला जाता है एक्वस टेंशन, इसको एक्वस टेंशन के भी नाम से जाना जाता है। तो इधर से आप क्या निकाल सकते हो, पी ड्राई
पी ड्राई इक्वल टू क्या होगा, पी टोटल माइनस पी एच टू ओ, तो ये आपका फार्मूला निकल गया। अगर आप इसके लिए क्या लगाना चाहते हो आइडल गैस इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, पी ड्राई इंटू वॉल्यूम, आप क्या लिखोगे, एन आर टी। तो पी ड्राई अब लगा लोगे एन आर टी अपन वी, तो इस तरीके से आपको क्या निकल जाएगा, पी ड्राई।